जय हिंद बच्चों, आज हमारे हाथ में है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का ये पेपर। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का ये पेपर हम सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो क्वेश्चन आते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो उनको संतुलित करना हम पहले सीख चुके हैं, उनको कैसे संतुलित करेंगे आसानी से जिससे हमको पूरे अंक मिल जाएँ। तो आज बहुत ध्यान से समझते हैं ये रासायनिक समीकरण जो संतुलित करते हैं आज हम लोग, ये आते हैं 6 नंबर पर, 6 मार्क्स, 6 अंक आपके पक्के हो जाएंगे अगर इसको आपने समझ लिया। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर आपको पूरे नंबर मिलने ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक संकेत तो मालूम ही होना चाहिए, साथ में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए, संयोजकता मालूम होनी चाहिए, उसके बाद में यौगिकों के कुछ सूत्र, मूलकों के सूत्र, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो इसमें सवाल दो तरह के आते हैं, एक तो ये हम जो दिखा रहे हैं शब्द समीकरण आए हुए हैं, केवल शब्द समीकरण आपको दिया रहेगा और उसको संतुलित करना रहेगा। शब्द समीकरण क्या है, इसमें केवल शब्दों के रूप में दिया, जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बन रहा है, इसके बाद में क्या बनेगा, तो खाली जगह भरना रहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, आप जिससे पूरे के पूरे नंबर पाएँ, इसका राज आपको मालूम करना होगा। तो हम आपको राज बता रहे हैं कि अगर आप इसको संतुलित करके लिख भी देंगे, यहाँ पर शब्द लिख देंगे, तो भी ये पूरे अंक आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में आपको उसका समीकरण, रासायनिक समीकरण भी लिखना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण उसका लिखना चाहिए, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, नहीं तो एक एक नंबर के सवाल हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 6 नंबर आपके नहीं मिल पाएंगे, आपको आधे नंबर से संतोष करना पड़ेगा या 0 नंबर से संतोष करना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, तो आपको हम सारी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट यहाँ बन रहा है। अब इसमें खाली जगह क्या भरी जाएगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, और बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम और सल्फेट, इसका मतलब सोडियम और क्लोराइड दो चीज़ें बच गई, तो सोडियम और क्लोराइड जो बच गई उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित शब्द समीकरण हो गया। लेकिन अब इसको हमको लिखना होगा समीकरण के तौर पर, अगर वो लिख देंगे तो हमारा समझे पूरा आंसर सही हो गया, क्योंकि इतना लिखने पे आपको पूरे अंक नहीं मिल पाएंगे। तो इसको पूरा कैसे लिखते हैं, सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, Na2SO4, क्योंकि यानी कि संयोजकता एक होती है, SO4 की दो होती, तो Na2SO4 इसका सूत्र हो जाएगा, और प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, और बनेगा क्या, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बन रहा है, और प्लस बन रहा है सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है NaCl बन रहा है। अब इतना तो हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बेरियम 1 है, वो कोई दिक्कत नहीं, Cl2 भी 2 है और Na2 भी 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो संतुलित समीकरण हो जाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl हो जाएगा, तो इस पूरे आपको अंक मिल जाएंगे इस तरह से। और दूसरा देखते हैं, पहला तो समझ लिया आपने, दूसरा देखते हैं मरकरी ऑक्साइड। अब मरकरी ऑक्साइड से क्या बन रहा है, मरकरी बन रहा है, और इसमें क्या दिखाया गया कि ऊष्मा की वजह से ऐसा हो रहा है, गर्मी की वजह से। तो इसके मतलब मरकरी ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तब ये टूट जाता है मरकरी, और इसमें टूट जाएगा वो आपको लिखना रहेगा। तो मरकरी ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, वो आपको लिखना होगा, HgO इसका सूत्र होता है, और यहाँ पर Hg मरकरी, और प्लस यहाँ पे जो खाली जगह होगी ऑक्सीजन, ये आप लिखेंगे, इतना तो लिख लिया।
इसका आप सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, अब इसको संतुलित करना पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि सिंगल होगी नहीं, प्लस लगा देंगे ऑक्सीजन होगा इस तरह से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर एक है, तो इसको संतुलित करने के लिए दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, टू एच जी हो जाएगा। अब यहाँ पे टू एच जी है, यहाँ पर एक ही एच जी है, इसलिए इसको भी दो आगे लिख देंगे, इस तरह से संतुलित हो जाएगा। दोनों तरफ दो एच जी हो गए, यहाँ भी दो एच जी हो गया, ऑक्सीजन दो है, दो ऑक्सीजन हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण इस तरह से दूसरा वाला भी बन गया। अब तीसरा देखते हैं, तो ये हो गया ऊष्मीय विघटन का उदाहरण। यहाँ पर जो था ये हो गया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया दी हुई, दूसरा है ऊष्मीय विघटन या ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन की एक क्रिया हो गई, रासायनिक समीकरण का प्रकार है। अगला देखते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है, जिंक सल्फेट बनता है। अब देखिए जिंक बन रहा है और सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फेट भी बन रहा है, तो बचेगा क्या वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो बचेगा वो होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी हाइड्रोजन, तो इसका संकेत लिख देते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तेजाब जिसको कहा जाता है। अब यहाँ से बनता क्या है, जिंक सल्फेट Zn SO4 प्लस H2। अब इसको देखते हैं सारा कुछ संतुलित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर जो क्रिया ये है उसी तरह की क्रिया ये भी है, दोनों में क्या हो रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है, तो ये विस्थापन की क्रिया है, एकल विस्थापन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर द्विविस्थापन की क्रिया थी, यहाँ पर एकल विस्थापन, इसी तरह से ये भी एकल विस्थापन रासायनिक क्रिया का ये उदाहरण है। अब यहाँ पर क्या है, कापर अलग हो गया, तो बचा क्या, कापर ये अलग हो गया, तो आयरन और सल्फेट ही बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसके बाद में सारा जो है उसके क्या लिख देंगे, उसके संकेत लिख देंगे। आयरन को या फिर से लिखते हैं, प्लस का निशान लगा दिया, कापर सल्फेट CuSO4 लिख दिया और तीर का निशान लगाया और FeSO4 बन गया, कापर का संकेत लिख दिया, इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कौन सी क्रिया है, इसमें एक पदार्थ टूटकर ऊष्मा की उपस्थिति में दो पदार्थों में टूट जाता है, तो एक क्रिया कहलाती है वियोजन, टूटने को क्या कहते हैं वियोजन, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं CaCO3, ये टूट जाता है, क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO बन जाता है। अब CaO बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, अब बचा क्या CaO, CO2 ही तो बचा, तो प्लस CO2, CO2 क्या है कार्बन डाई ऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें हमको करनी होगी तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, तो ये भी रासायनिक संतुलित समीकरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरह से विस्थापन की क्रिया हो गई, तो जिंक नाइट्रेट, जिंक और नाइट्रेट, बचा क्या केवल सिल्वर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिल्वर, तो आपका आधे अंक तो कम से कम पक्के हो गए, नहीं तो पूरे अंक मिल सकते हैं लेकिन आधे अंक मिलेंगे आपको। अब पूरा अगर हम लिख देंगे तो पूरे अंक मिलेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, Zn लिख दिया प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और बन गया जिंक नाइट्रेट Zn NO3 प्लस Ag। अब यहाँ पर देखते हैं सारा कुछ सही है, जिंक नाइट्रेट, यहाँ पर जो जिंक नाइट्रेट है और AgNO3, अब जिंक नाइट्रेट का जो सूत्र होता है Zn NO3 का होल ट्वाइस होता है, अब जिंक नाइट्रेट में NO3 दो है और यहाँ पर NO3 एक है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो आगे लिख देंगे, तो NO3 दो हो गया, ये संतुलित हो गया NO3।
जे और बच गया एजी, यहाँ पर एजी लिखा है, यहाँ 2 AG है तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे ZN एक है, 2 AG भी है, NO3 भी 2 है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस तरह से संतुलित कर सकते हैं और पूरे के पूरे पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब